छोटी होगी, क्योंकि अंतर के लिए हमें बड़ी में से छोटी को घटाना होता है, तभी हमें अंतर प्राप्त होता है। तो इसी क्रम में मैंने देखो क्या किया, माना छोटी संख्या एक्स है और बड़ी संख्या क्या है वाई है। छोटी संख्या को मैंने एक्स मान लिया और बड़ी संख्या को मैंने वाई मान लिया। अब देखो स्थिति प्रथम, पहली जो हमें कंडीशन दी गई है ये देखो ध्यान से, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसका मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा। बड़ी संख्या वाई है, छोटी संख्या एक्स है, तो वाई माइनस एक्स किया बराबर में क्या हो गया 26, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया समीकरण नंबर क्या हो गया एक हो गया। अब देखो दूसरी कंडीशन, एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि छोटी वाली संख्या या पहली वाली संख्या बड़ी वाली संख्या, कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया गया कि एक संख्या दूसरी की तीन गुनी, बस हमें ये बोला कि एक संख्या दूसरी की तीन गुनी। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो पहले से ही तीन गुनी होगी, तो यहाँ से जो समीकरण प्राप्त होगा देखो स्थिति सेकंड से, स्थिति सेकंड देखो ये पहले से ही बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर दोनों से एक यदि हम यहाँ से समीकरण प्राप्त करें y बराबर x, तो तीन से गुणा किसको करना पड़ेगा, छोटी वाली को करना पड़ेगा, तो छोटी वाली कौन सी यहाँ पर x है, तो x को मैंने तीन से गुणा कर दिया, ये समीकरण हमारा दो हो गया। अब देखो समीकरण एक व दो से क्या करेंगे, समीकरण एक व दो से तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, y का मान रखूँगा, कितना रखूँगा 3x रखूँगा, क्योंकि y का मान 3x हमें समीकरण दो में दिया गया, तो y की जगह मैंने 3x रख दिया, माइनस का क्या है x है और बराबर में क्या है 26 है, 3x में से 1x घटाया तो कितना हो गया 2x हो गया बराबर में 26, और x बराबर कितना हो गया 26 बटे में 2, और x का मान कितना हो गया 13 हो गया, एक्स का मान 13। अब ये जो एक्स का मान है या तो समीकरण एक में रख दो या दो में रख दो, तो यहाँ पर हम दो में रखते हैं, तो समीकरण दो से देखो भाई, समीकरण दो से, अब समीकरण दो क्या है वाई बराबर 3x है, तो यहाँ पर मैं एक्स का मान पुट करूंगा कितना 13, तो 13 + 39, तो देखो हमने छोटी संख्या एक्स माना था, एक्स का मान 13 हो गया, बड़ी संख्या वाई माना था, वाई का मान कितना हो गया 39 हो गया, अब दोनों का अंतर करके देख लो कितना प्राप्त होगा 26 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, तीन के अंदर फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो हमारे पास क्वेश्चन सेकंड क्या दिया गया, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ रहा हूँ, पढ़ो देखो, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें याद कीजिए। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक कोण मानना पड़ेगा, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, छोटे कोण से 18 अधिक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना छोटा कोण कितना है एक्स है, माना छोटा कोण एक्स मान लो, या क्या मानोगे थीटा मान लो, तो यहाँ पर मैं तो एक्स ही मान रहा हूँ, छोटा कोण कितना हो गया एक्स हो गया। अब बड़ा कोण कितना होगा भाई, यहाँ पर सबसे बड़ी बात कौन सी है, बड़ा कोण, तो बड़ा कोण देखो, बड़ा कोण हमें क्या दिया गया है, छोटे से 18 अधिक दिया गया है, छोटे से 18 अधिक, छोटा एक्स है तो बड़ा कितना हो जाएगा एक्स प्लस 18 हो जाएगा, सही है। अब देखो आगे संपूरक कोण है, तो संपूरक कोणों में क्या होता है, संपूरक कोणों में दो कोण होते हैं और दोनों का जो योग होता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, संपूरक कोणों का जो कि संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण का 18 अधिक है, दो संपूरक कोणों में, सेकंड क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ना, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो उन्हें याद करो। तो क्वेश्चन हमारा यह है
कि दो संपूरक कोण है। संपूरक कोण हमेशा कितने होते हैं? दो ही होते हैं। इनमें एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण है। बड़ा वाला जो कोण है वो छोटे वाले कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है। बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर माना छोटा कोण एक्स है, यहाँ पर आप थीटा भी मान सकते हो, फाई भी मान सकते हो, या और कुछ भी यहाँ पर आप मान सकते हो, अल्फा मान सकते हो, बीटा मान सकते हो, गामा मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। छोटे कोण को मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब बड़ा कोण कितना होगा? बड़ा कोण कितना है? छोटे वाले से 18 अधिक है। बड़ा वाला जो कोण है छोटे वाले से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 18। अब दोनों का जो योग होगा, संपूरक कोणों में क्या होता है, दोनों का योग 180 डिग्री का होता है भाई, दोनों का योग 180 डिग्री। अब दोनों कोण कितने कितने हैं? एक्स और एक्स प्लस में 18 बराबर कितना हो गया 180। एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, प्लस में 18 और बराबर में 180। 2x बराबर 180 माइनस का 18, क्योंकि ये प्लस की संख्या है, दूसरी साइड में जाकर माइनस की। अब 2x बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से यदि हम 18 घटाते हैं तो कितना आएगा? 162 आएगा, और x बराबर हो जाएगा 162 बटे में 2, और x का मान यहाँ से कितना आएगा? 81 डिग्री आएगा भाई। x का मान कितना हो गया? 81 डिग्री। अब x का मान 81 डिग्री हो गया, ये तो छोटा कोण है। अब बड़ा कोण कितना हो जाएगा? अब देखो बड़ा कोण, और बड़ा कोण हमारे पास आएगा x प्लस में 18, और x का मान हो गया 81, तो जो बड़ा कोण है वो कितना हो जाएगा? 81 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 99 डिग्री का बड़ा कोण हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। 7 बल्ले और 6 गेंदे, टोटल कितना रुपया दिया उसका, टोटल कितना पेमेंट किया? 3800 रुपये। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। माना बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? एक्स मान लेते हैं, एक बल्ले का मूल्य एक्स, और एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? एक गेंद का मूल्य हो गया वाई रुपये। ठीक है, तो स्थिति जो प्रथम है, यहाँ से दो समीकरण प्राप्त करने हैं। स्थिति प्रथम है उसमें देखो कितने बल्ले खरीदे भाई, 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी हैं। तो एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपये, तो 7 बल्लों का कितना हो जाएगा? 7x, और 6 गेंदे खरीदी हैं, एक गेंद का मूल्य वाई है, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा? 6y, और टोटल पेमेंट कितना किया इसने? 3800 रुपये। यहाँ से समीकरण एक प्राप्त हो जाएगा। अब देखो स्थिति नंबर दो क्या है भाई? स्थिति नंबर दो हमें दी गई है कि तीन बल्ले व पांच गेंदे, तो एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपये, तो 3 बल्लों का कितना हो जाएगा? 3x, और साथ में 5 गेंदे, एक गेंद का मूल्य वाई है, तो 5y और बराबर में कितना हो जाएगा? 1750 रुपये। ये समीकरण नंबर दो हो गया। अब यहाँ से हमें प्रत्येक गेंद व प्रत्येक बल्ले का मूल्य पूछा है, मतलब यहाँ पर हमें x और y का मान निकालना, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य x है और एक गेंद का मूल्य कितना y, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त करना है? x और y का मान प्राप्त करना है। और हमें जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था तो वहीं पर हमें दिया गया था कि प्रतिस्थापन विधि से इन्हें हल करना, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो सबसे पहले देखो यहीं से मान निकाल लो, समीकरण दो से किसका मान निकालेंगे? एक्स या वाई, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ से मैं एक्स का मान निकाल रहा हूँ, तो 3x बराबर 1750 माइनस का 5y, और x बराबर कितना हो जाएगा? 1750 माइनस 5y और बट्टे में कितना आ जाएगा? 3। ये जो गुणा की संख्या है भाग में, ये x का मान हो गया समीकरण 3। अब ये जो x का मान है ये समीकरण कहाँ पर रखेंगे? एक में रखेंगे भाई। तो यहाँ पर देखो लिखो समीकरण एक से, और समीकरण एक से देखो 7 और x का मान कितना रखना है? 1750 माइनस का 5y और बट्टे में कितना है? 3, और प्लस में कितना है? 6y और बराबर में हमें दिया गया 3800 रुपये। अब देखो इस 7 को अंदर गुणा करना, हमें इस 7 को अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये प्राप्त हो जाएगा, ये तो आएगा 0, 7 × 5 = 35, असल की 3, 7 × 7 = 49, और 3 × 49 = 3, 52 का 2, असल की 5, 7 × 7 और 5 12, 12250, और फिर 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35y और बट्टे में कितना है? 3 है।
फिर प्लस का कितना है 6y, इसके बटे में एक मान लेते हैं और बराबर में कितना है 3800 रुपये। अब देखो इसका हम लघुत्तम लेते हैं, कितना आएगा 3 आएगा, 3 का भाग 3 में करेंगे तो 1 आएगा और 1 को इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे तो सेम यही आएंगी 12250 माइनस 35y प्लस 1 का भाग 3 में करेंगे 3 और 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 18 और बराबर में कितना हो जाएगा 3800। अब यहाँ से देखो ये तो है 12250 रुपये और 35 में से यदि 18 घटाएं क्योंकि 35 माइनस का है 18 प्लस का है तो ये कितना आएगा माइनस का 17y बचेगा हमारे पास और बट्टे में कितना 3 बराबर 3800 रुपये। यहाँ से इसको तिरछा गुणा करो, तिरछा गुणा करेंगे तो 12250 माइनस 17y ये तो सेम आएगा और 3 को 38 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 0 0 8 5 24 असल की 2 3 9 9 और 2 11 11400। अब 12250 को मैं सेकंड साइड में लेकर जाऊंगा तो 17y 11400 माइनस में 12250 रुपये माइनस के 17y यहाँ पर कितने बचेंगे भाई घटाओ देखो 0 10 में से 5 घटाया तो सॉरी हाँ 5 और ये आएगा 12 में से 4 घटाया तो सॉरी 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, ये 8 हो गया और अब यहाँ पर कितना बचा 0। ठीक है ये होगा माइनस का, यहाँ से y का मान कितना होगा माइनस का 850 बटे में माइनस का 17 माइनस माइनस प्लस y का मान कितना आएगा 17 85 और 10। वाई का मान हमारे पास 50 रुपये आ चुका है और वाई हमने क्या माना था गेंद का मूल्य माना था एक गेंद का तो एक गेंद का मूल्य 50 रुपये। अब बल्ले का मूल्य निकालने के लिए ये जो वाई का मान है ये कहाँ पर रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ से देखो भाई इस साइड में आ जाओ आप यहाँ पर करेंगे हम तो एक्स बराबर 1750 माइनस 5 और वाई का मान हो गया 50 बट्टे में कितना 3। यहाँ से x बराबर 1750 और यहाँ पर कितना हो गया 250 हो गया बट्टे में 3। 1750 में से हम यदि 250 घटाते तो 0 0 5 और 1 1500 बट्टे 3 और 1500 में 3 का भाग करेंगे तो 500 तो जो बल्ले का मूल्य है ये तो हो गया 500 रुपये और गेंद का मूल्य है वो कितना हो गया 50 रुपये। ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है, स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। जैसा कि देखिए फोर्थ पार्ट मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ साथ में पढ़ने की कोशिश करो और समझने की भी कोशिश करो। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर इसमें दो चीज़ें दी गई है, एक तो इसमें नियत भाड़ा जो फिक्स किराया है वो दिया गया और उसके बाद में प्रति किलोमीटर मतलब हर किलोमीटर के लिए अलग से इसका पेमेंट लगता। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे देखो माना नियत भाड़ा, क्या मानेंगे माना नियत भाड़ा। नियत भाड़ा कितना हो जाएगा एक्स मान लिया, फिर प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो कितना होगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा या किराया वो कितना हो जाएगा वाई रुपये हो जाएगा। अब देखो कंडीशन पहली जो इसमें दी गई है वो ध्यान से समझो, 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है वो 105 रुपये, 10 किलोमीटर के लिए टोटल कितना किराया लगता है 105 रुपये 10 किलोमीटर के लिए। तो यहाँ पर देखो पहले किलोमीटर के लिए तो एक्स रुपये होगा, एक किलोमीटर के लिए तो एक्स रुपये होगा, बाकी का कितना किलोमीटर बचा 9 किलोमीटर बचा भाई, क्योंकि टोटल 10 किलोमीटर दूरी उसने तय की है। 10 किलोमीटर में से पहला जो किलोमीटर है उसका तो उसने अलग से एक्स रुपये दे दिया, बाकी के जो 9 किलोमीटर बचे उसके लिए 1 किलोमीटर का वाई रुपया लगता है। तो 9 किलोमीटर बचे और 9 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा, 9 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 9y और टोटल उसने दोनों का मिलाकर 10 किलोमीटर का, ये 1 किलोमीटर का है ये 9 किलोमीटर का, दोनों का मिलाकर कितना दिया 105 रुपये दिया। ये हो गई स्थिति प्रथम, ये कंडीशन फर्स्ट हो गई हमारी। अब यहाँ से देखो स्थिति सेकेंड और निकाले, तो स्थिति सेकंड में क्या है अब की बार क्या दिया है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया दिया है। तो 15 किलोमीटर में भी देखो पहले किलोमीटर का तो वही एक्स रहेगा और बाकी के कितने बच गए 14 किलोमीटर बच गए, तो 14 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 14y हो जाएगा और बराबर 155 रुपये इसने चुकाए थे। ये हमारे पास
इसके दो समीकरण हो गए। अब पहले तो क्या निकालना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा और जो नियत भाड़ा वो निकालना, और उसके बाद में क्या निकालना, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए इसे कितना किराया देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से मैं समीकरण दो से निकाल लेता हूँ, समीकरण दो से x का मान निकालता हूँ, तो यहाँ से कितना आएगा 155 माइनस में 14y आ जाएगा और ये समीकरण नंबर 3 होगा। ठीक है, समीकरण दो से मैंने क्या निकाल लिया, x का मान निकाल लिया, 14y को मैं दूसरी तरफ लेकर गया, माइनस का हो गया। अब ये जो x का मान है ये समीकरण एक में रख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण एक से, क्या लिखोगे समीकरण एक से, तो समीकरण एक में देखो x का मान रखेंगे 155 माइनस का 14y और आगे क्या है प्लस 9y और बराबर में 105 रुपए। अभी ये 155 इस साइड में जाकर माइनस का होगा, यहाँ पर देखो क्या बचेगा, इन दोनों में से माइनस के 14y है और प्लस के 9y है, तो यहाँ से माइनस का 5y आएगा और 105 माइनस का 155 हो जाएगा। ये माइनस के 5y और माइनस के 50, माइनस माइनस प्लस और y बराबर हो जाएगा 50 बटे में 5 और बराबर में 10 रुपए, और y का मान 10 रुपए हो गया। y हमने क्या माना था, प्रति किलोमीटर भाड़ा माना था। अब ये y का मान समीकरण 3 में, 1 में या 2 में कहीं पर भी आप रख सकते हो, तो मैं यहाँ पर समीकरण 3 में रख रहा हूँ। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखो क्या आएगा, x बराबर 155 माइनस 14 और y का मान कितना हो गया, y का मान 10 किलोमीटर हो गया। अब x बराबर 155 माइनस 140 और x बराबर हो गया 15, तो यहाँ से देखो अब जो फिक्स किराया है वो तो 15 रुपये हो गया और उसके बाद में जो प्रति किलोमीटर किराया है वो 10 रुपये हो गया। अब हमें क्या पूछा था, और भी पूछा है 25 किलोमीटर यात्रा में कुल कितना किराया देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर की यात्रा में किराया तो कितना किराया देना पड़ेगा 25 किलोमीटर में। देखो भाई यहाँ पर एक तो क्या है, फिक्स है x किलोमीटर, जो पहला किलोमीटर है उसके लिए जो किराया है वो कितना है x रुपए है, और उसके बाद में कितने किलोमीटर ये तय करेगा 24 करेगा, और उसके लिए y है, तो ये हमें क्या करना है ज्ञात करना, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो x का मान देखो कितना भी, x का मान हमने निकाला 15 प्लस 24 और y का मान कितना हो गया 10 हो गया, तो 15 प्लस में ये हो गया 240, 240 में 15 जोड़ेंगे तो 255 रुपए उसे देने पड़ेंगे, कितने के 25 के। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। तो भिन्न के जो क्वेश्चन होते हैं, कैसे भी क्वेश्चन हो भिन्न संख्या के, तो उसमें पूरी भिन्न को मानना होता है, हमें अकेले एक्स से काम नहीं चलेगा, पूरी भिन्न को मानना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, माना भिन्न, क्या लिखोगे माना भिन्न कितनी हो जाएगी, एक्स बटे वाई हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर वही दो कंडीशन दी गई है, कंडीशन पहली देखो, स्थिति प्रथम, यदि अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, दोनों में क्या जोड़ दिया जाता है 2, तो x बटे वाई ये तो हमें भिन्न दी गई है और दोनों में ही हमें 2 जोड़ना है, तो हमारी जो भिन्न है वो कितनी हो जाएगी 9/11 हो जाएगी। यहाँ से एक समीकरण प्राप्त करो, क्या करोगे तिरछा गुणा करना है, तो तिरछा गुणा करेंगे तो देखो भाई क्या आएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस में 11 दुनी 22 बराबर में 9y और प्लस में क्या आएगा 9 दुनी 18। अब एक समीकरण बनाएंगे यहाँ से, तो 11x माइनस का 9y हो जाएगा और ये जो 22 है ये उस साइड में जाकर कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये 11x माइनस का 9y और बराबर में बचेगा माइनस का 4, समीकरण नंबर 1। अब देखो स्थिति सेकंड, यहाँ से हम स्थिति सेकंड प्राप्त करेंगे, तो वो क्या दी गई है, यदि एक्स व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न हमें 5/6 प्राप्त होती है, दोनों में ही 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न क्या थी एक्स बटे वाई, दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है और भिन्न कितनी प्राप्त होती है 5/6 प्राप्त होती है भाई। अब देखो इससे आगे वही काम करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे और तिरछा गुणा करेंगे तो 6 को एक्स से गुणा किया 6x, 6 3 18 और 5 को y से गुणा किया 5y और 5 को 3 से करेंगे तो 5 3 15, पक्षांतरण करो देखो यहाँ पर क्या आएगा 6x माइनस का 5y हो जाएगा इस साइड में आकर, और ये 15 और माइनस का 18 उस साइड में जाएंगे, 5y इस साइड में आएंगे, तो ये हो गया 6x माइनस का 5y और बराबर में माइनस का 3, समीकरण नंबर 2। अब दो समीकरण हमें प्राप्त हो चुके हैं, दोनों में से हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, तो किसका मान निकालोगे वो आप पर डिपेंड करता है, तो मैं समीकरण 2 से ही निकाल रहा हूँ। समीकरण 2 से किसका मान निकाल रहा हूँ भाई, समीकरण 2 से मैं यहाँ से x का मान निकालूंगा और x का मान आएगा माइनस का 3 और प्लस का 5y,
पांच वाई और माइनस के तीन, देखो पांच वाई माइनस के हैं दूसरी तरफ जाकर प्लस के हो जाएंगे और यहाँ पर माइनस के तीन है वो पहले से ही मौजूद है। अब ये समीकरण नंबर सॉरी आगे और सरल करेंगे, x का मान कितना आएगा पांच वाई माइनस का तीन और बट्टे में छह, ये समीकरण नंबर तीन हो गया। अब ये जो x का मान है समीकरण तीन वाला ये कहां पर रखेंगे, समीकरण एक में रखेंगे, तो यहां पर क्या आएगा देखो 11 और x की जगह मैं रखूंगा पांच वाई माइनस का तीन और बट्टे में छह और आगे क्या है माइनस का नौ वाई है और बराबर में क्या है माइनस का चार है। देखो सरल करो अंदर गुणा करेंगे तो 11 पंच जो 55 वाई और 11 तीय 33 बट्टे में क्या आएगा 6 माइनस का 9 वाई और बट्टे में 1 बराबर में माइनस का 4, इसका लघुत्तम कितना आएगा भाई 6 आएगा, तो 6 का भाग करेंगे तो ये तो सेम ही संख्या जाएगी 55 वाई माइनस का 33 माइनस 1 का भाग 6 में करेंगे तो 6 और 6 को 9 से गुणा किया तो 9 छक्के 54 वाई और बराबर में माइनस का 4। देखो 55 वाई प्लस का 54 वाई माइनस का, तो यहाँ से 1 वाई बचेगा माइनस का 33 बट्टे में 6 और बराबर में माइनस का 4, तिरछा गुना करो वाई माइनस 33 हो गया और बराबर माइनस का 24 हो गया। अब ये 33 इस साइड में जाकर प्लस का हो जाएगा तो 33 माइनस का 24 कितना बचा भाई, यहाँ से बचेगा 9, वाई का मान कितना हो गया 9 और ये वाई का मान हमें कहाँ पर रखना समीकरण तीन में रखना है, तो समीकरण तीन से देखो भाई, अब समीकरण तीन से और समीकरण तीन से x बराबर पाँच वाई, वाई का मान कितना 9 है और माइनस का 3 और बट्टे में क्या आएगा 6, x बराबर 9 छिक 9 पंजे 45 माइनस 3 और बट्टे में 6, 45 में से 3 घटाया तो कितना हो गया 42 और बट्टे में 6, x बराबर 7, x का मान 7 हो गया और y का मान 9 हो गया, तो अब जो हमने भिन्न संख्या मानी थी वो कितनी होगी, भिन्न बराबर x बटे y हमने माना था, तो यहाँ से भिन्न कितनी आएगी, x का मान कितना है 7 और y का मान कितना 9, तो 7 बटे 9 हमारी भिन्न हो गई। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से टफ है लंबे हैं, तो अब इससे आगे जो एक पार्ट हमें और